ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय धर्मशाला में जेबीटी प्रशिक्षुओं ने बीएड धारकों को जेबीटी भर्ती के लिए पात्र करने का विरोध जताया। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने कक्षाओं का बहिष्कार कर पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में एकत्रित होकर जेबीटी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर के नेतृत्व में रैली निकाली तथा जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार व राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। प्रशिक्षुओं का कहना है कि जब जेबीटी प्रशिक्षुओं के लिए अलग से सरकार द्वारा सरकारी व निजी सरकारी संस्थान खोले गए हैं तो बीएड धारकों को कैसे जेबीटी के लिए रखा जा रहा है। जिला मुख्यालय धर्मशाला में जेबीटी प्रशिक्षुओं ने बीएड धारकों को जेबीटी भर्ती के लिए प्राप्त करने का विरोध जताया। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने कक्षाओं का बहिष्कार कर पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में एकत्रित होकर जेबीटी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक ठाकुर के नेतृत्व में रैली निकाली तथा जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार व राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। प्रशिक्षुओं का कहना है कि जब जेबीटी प्रशिक्षुओं के लिए अलग से सरकार द्वारा सरकारी व निजी सरकारी संस्थान खोले गए हैं तो बीएड धारकों को कैसे जेबीटी के लिए रखा जा रहा है। हर साल लगभग 5000 से ज्यादा युवा जेबीटी की ट्रेनिंग लेते हैं और बीएड व जेबीटी धारक दोनों की न्यूनतम योग्यता भी अलग अलग है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार कोर्ट में सही पक्ष नहीं रख रही है और अब तक केस को लगभग एक साल होने को है, पर सरकार हाई कोर्ट में जवाब देने में असफल हुई है। जेबीटी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने कहा कि बीएड धारकों को प्रदेश सरकार की ओर से जेबीटी भर्ती के लिए पात्र किया गया है, जो कि गलत है। प्रदेश में जेबीटी के लिए 12 सरकारी संस्थान और 28 प्राइवेट कॉलेज हैं। तो यहाँ पे बीएड को सरकार ने टेम्परेरी तौर पर लिख दिया गया है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है और जेबीटी यूनियन इसका कड़ा विरोध करती है, क्योंकि बीएड वालों को यहाँ पे अलग ट्रेनिंग दी जा रही है और सरकार द्वारा जेबीटी वालों के लिए 12 सरकारी संस्थान और 28 प्राइवेट कॉलेज हैं। तो ऐसे में अगर बीएड वालों को जेबीटी में एलिजिबल करना है तो फिर सरकारी जो जेबीटी कॉलेज खोले गए हैं इनका क्या औचित्य है। और यहाँ पे एक साइड में सरकार गुणवत्ता शिक्षा की बात करता है, तो ऐसे में अगर डेंटिस्ट की जगह ऑर्थो का डॉक्टर लगा दिया जाए तो किस तरह से उचित है। तो हमारा आज पूरे स्टेट से कुछ एक जिलों से आज रैली निकाली जा रही है, साथ में डीसी के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को और शिक्षा मंत्री को, साथ में एनसीटी को ज्ञापन भेज रहे हैं। अभी हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द हमारी इस मांग को पूरा किया जाए, अन्यथा अनिश्चित काल तक हम क्लासेस का बहिष्कार करेंगे।